नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। इस वक्त हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान है राजकुमार राव और डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दो के लिए, और राजकुमार आपको दोहरी बधाई। थैंक यू संजय जी, थैंक यू। आप दोनों के शब्दों में बधाई दो, आपसे बधाई दो। जैसा बहुत ही एक फन मनोरंजन से भरपूर एक फैमिली कॉमेडी, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी कह रहे हैं विदाउट बीइंग प्रीची, मतलब आपको हम वहाँ पे बुला के बिल्कुल भी ज्ञान नहीं देंगे, हम आपको बहुत हंसाएंगे और अपनी बात को उस हंसी हंसी में कहीं चुपचाप से कह जाएंगे, जो आप जब थिएटर से बाहर निकलेंगे ना तब बोलेगा यार बहुत मजा आया, लेकिन एक सेकेंड बात तो सही है। डायरेक्टर साहब, आप ने इसकी शुरुआत की, कहानी लिखी अपने हिसाब से, कहाँ से शुरुआत हुई थी इसकी? जो हमारे लेखक है ना, अक्षत और सुमन, इन लोगों ने लिखी थी एक कॉन्सेप्ट, तो उसके बाद वो आए थे, तो मैंने जब ये पढ़ी थी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। और फिर इसमें ना एक दो और पॉइंट्स है जो कि आपको ट्रेलर में नहीं दिखाई दे रहा, पर वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी जो हम कहना चाहते थे, जो ये फिल्म कहना चाहती थी, तो वो दैट इज़ व्हाट गॉट मी इंटरेस्टेड। मुझे बहुत मतलब लगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मतलब दिस इनसाइट इज़ वर्थ एक्सप्लोरिंग, और उसके लिए ये जर्नी जो है उस पे मैं आया हूँ अंदर, और फिर मैं बोला चलो करते हैं फिल्म। देखिए, ये कहानी ऐसा है जो पहली बार भारतीय सिनेमा में कही जा रही है, LGBTQI समुदाय की बात भी है, बड़ी इसमें क्या होता है, बड़ी ही जिम्मेदारी से आपको अपनी बात कहनी है, बहुत ही मुद्दा ऐसा है जिसमें थोड़ी सी बात आगे पीछे हो जाए तो जो बात आप कहना चाहते हैं वो फिसल भी सकती है। और राजकुमार, आपके लिए ऐसा था कि ये जो इस तरह के विषय होते हैं ऑफ बीट, इनको चुनना, और इस समय जो जिस तरह का मार्केट, हालांकि 2-3-4 सालों में आपके कुछ साथी कलाकार हैं जो इस तरह के विषय चुन रहे हैं, लेकिन आपके लिए कितना मुश्किल था इस विषय को चुनना और फिर हाँ कहना, फिर आगे बढ़ना? कतई मुश्किल नहीं था, क्योंकि कहानी इतनी कमाल तरीके से लिखी हुई है, और ये लोग कुछ लगभग 2-3 साल इन्होंने लगाए हैं स्क्रिप्ट को लिखने में। ऐसा नहीं कि एक आइडिया आया, 2 महीने में लिख दिया, एक्टर को अप्रोच करो, ऐसा हर्ष बिल्कुल भी इस तरीके से काम नहीं करता है। उन्होंने बहुत वक्त लगाया कहानी को लिखने में, बहुत लोगों को इन्वॉल्व किया कम्युनिटी से भी, तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहानी को लिखा गया है, बहुत ही डिटेल तरीके में लिखा गया है। तो जब मैंने पढ़ी तो मुझे, मैं उसमें कुछ निकाल नहीं पाया कि यार शायद ये थोड़ा बेटर हो सकता है, कि यार ये क्यों है, शायद नहीं मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मुझे प्रॉब्लम लग रही है। पूरी एक ही एक संपूर्ण कहानी लगी मुझे, जिसने मुझे बहुत हंसाया जब मैं पढ़ रहा था, तो भी उसके बाद उसने मुझे रुलाया भी, उसने मुझे बहुत इमोशनल भी किया, तो कमाल बैलेंस है। और जो बात कह रही है फिल्म, वो इतनी इंपॉर्टेंट है आज के ज़माने में, तो मुझे लगा इस फिल्म का हिस्सा ज़रूर बनना चाहिए। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रहा था या कुछ सुन रहा था या सुना है मैंने फिल्म के बारे में कि ये फिल्म बहुत पहले आपके पास ये कहानी आई थी, काफ़ी समय बाद फिर आपने हाँ कहा, क्या था किस्सा, कैसे आपके पास आई थी, कितनी मीटिंग्स हुई, फिर कब आपने क्या सोचा कि नहीं अब मुझे करना है, क्या शुरू? जब हम लोग मिले थे काफ़ी पहले, तब हर्ष ने मुझे बताया कि यार तुम्हें सोच के लिखिए, तो तुम्हें हम चाहते हैं कि तुम ही शादुल करो, तो मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बोला कि ज़रूर, लेकिन द ओनली थिंग इज़ मैं ऑलरेडी एक फिल्म कर रहा था विच वॉज ऑल्सो डीलिंग विद LGBTQIA कम्युनिटी एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड इशूज़, सो मुझे लगा कि यार हर्ष मैं करना चाहूँगा, पर मैं ऑलरेडी एक कमिटेड हूँ फिल्म के लिए। पर बहरहाल वो फिल्म वर्कआउट नहीं हुआ, जो भी हुआ तो तुरंत फिर हम वापस हमारी मुलाकात हुई, हमने कहा कि चलो शुरू करते हैं, पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था ना। टीचर जब आपका डायरेक्टर बन जाए तब क्या होता है? तो वहाँ पे इन्होंने पढ़ाई की है, एडिटिंग की पढ़ाई की है, तो हमारा एक होता है FTI, जितने लोग हैं आपस में उनका एक कनेक्ट होता है, चाहे वो जानते हो ना मिले हो कभी, लेकिन फिर भी आप बोल देंगे एक बार कि यार मैं इंस्टीट्यूट से, अरे इंस्टीट्यूट से, तो वो कुछ जेन्युइनली एक कनेक्ट हो जाता है, तो हमारा था वो एक कनेक्ट पहले से, लेकिन जब हम मिले फिर बातचीत जब शुरू हुई तो मुझे लगा ये तो यार एकदम हम एक जैसे हैं, मतलब हम लोग तो बहुत मज़ा करते हैं साथ में, बहुत हंसते हैं, फिर भूमि भी जुड़ी तो लगा यार ये भी एकदम अपने जैसी है, ये भी बहुत मस्ती खोर है, तो आई थिंक बहुत ही मज़े भरा सेट था हमारा, इतनी मस्ती करते थे हम लोग, इतना हंसते थे, ऑफकोर्स जब इंटेंस या इमोशनल सीन होते थे तो बहुत डिसिप्लिन में स्पेस भी देते थे, आई थिंक इट वॉज जस्ट सच एन अमेजिंग फुलफिलिंग एक्सपीरियंस ऑफ मेकिंग दिस फिल्म। हर्षवर्धन जी, जब आप कहानी लिख रहे थे तो आपके दिमाग में राजकुमार ही क्यों थे? मतलब आपने कहा कि आपको सोच कर कहानी लिखी, या और भी कुछ लोग थे, या कास्टिंग की जब बात होती है तो बहुत, हम भी जब कोई कहानी सुनते हैं तो हमें लगता है इसमें ये होना चाहिए, कहाँ से शुरुआत हुई थी कि राजकुमार को लेना? नहीं, जब आप लिख रहे थे तो थी ही बात ये, बिकॉज यार मैं तो मतलब मैं इनकी परफॉर्मेंसेस बहुत सारी देखी हुई है,
और प्लस ये जो कैरेक्टर था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब सरफेस लेवल पे अगर आप बस थ्रिलर देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ कॉमेडी है सिर्फ, ये कॉमेडी नहीं है, बहुत कुछ अंदर ना बहुत सारे लेयर्स है और वो डेप्थ जो है और वो जो होता है कि एकम्प्लिश्ड एक्टर्स ही उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं या you know, उस चीज़ को बखूबी निभा सकते हैं, तो यही एक है यार, मतलब मेरे को तो बस जहन में था तो जो लेयर को तोड़ सकते हैं, अरे बहुत कुछ और एक्स्ट्रा भी डाल सकते हैं जो डाला भी है, सो एंड वही तो हम चाहते हैं ना कि मतलब एक कैरेक्टर जो होता है बस एक यूनिडिमेंशनल नहीं होता और उसे जस्टिफाई भी करना पड़ता है कि यार ये यूनिडिमेंशनल नहीं है और वो कैसे दिखाएं, बोल तो नहीं सकते ना यार मुझे ये भी लग रहा है, ऐसे तो नहीं बोल सकता है, बट इसके चेहरे पे दिखनी चाहिए या इसके बॉडी लैंग्वेज में दिखनी चाहिए और वो जो है ना वो बहुत डेलिकेटली करेक्ट तरीके से और वो ऑडियंस को पहुंच जाती है वो बात बिना उसको अंडरलाइन किए, वो कमाल की जो मतलब रेंज और एक स्किल है वो आई थिंक राज में है। सो बिल्कुल, और जैसे ये कहानी नई है, पहली बार हमारे सिनेमा में दिखाई जा रही है, वैसे ये पुलिस वाला भी नया है, ऐसा पुलिस वाला पहले कभी किसी ने नहीं देखा होगा, और उसके बाद जब LGBTQI की बात है उसको भी बड़ी जिम्मेदारी से कहना है, तो क्या कुछ तैयारी कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या किया आपने? तैयारी तो हर्ष ने मुझे बोला कि हमारे पास कुछ महीने थे ऑन ही वॉन्टेड मी टू बी इन अ पर्टिकुलर शेप फिजिकली, उनका कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा ये मसल बिल्ड करें बिकॉज वो कैरेक्टर की डिमांड है, उसकी एक उसका कारण है कि वो क्यों ऐसा थोड़ा मसल वाला हमें दिखता है कि लगता है कि बॉडी जिम विम करता है ये, तो मैंने कहा ज़रूर, पहले कभी किसी ने मुझे कहा नहीं था ऐसा, ऑफकोर्स दब के जी तोड़ मेहनत की गई, बहुत वर्कआउट किया गया, वेजिटेरियन है तो उससे थोड़े और उसके चैलेंजेस ज़्यादा बढ़ गए थे, लेकिन मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर आती हर्ष ने बोला कि मैं सोच रहा हूँ मूछें रखते हैं, फिर था कि यार फेक तो नहीं लगानी है, रियली करनी है, तो फिर हमने उसकी मूछें बढ़ाई, उसके अलावा फिर उस बीच में हम लोग मिलते रहते थे, बात करते रहते थे, रीडिंग्स भी की हमने कुछ, और कैरेक्टर को जितना आप पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आपको समझ आती है चीज़ें, ज़्यादा आपके उसकी लेयर खुलती जाती हैं, तो बस फिर आई थिंक जब तक हमने शूट शुरू किया तो वी ऑल वर वेरी क्लियर कि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है, कहाँ जाना है। अच्छा, जब आपके पास कोई कैरेक्टर आता है तो आपकी एक तैयारी अपनी होती है जो स्क्रिप्ट में नहीं होती है, वो आप कैसे तैयार करते हैं? जैसे इस पुलिस वाले की बात करें तो क्या इसका बैकग्राउंड सोचते हैं, लिखते हैं, क्या आप कैसे? हाँ, ऑफकोर्स एक बैकग्राउंड एक उसका होता है, वो आप सोच के चलते हैं कि यहाँ पे जो आज यहाँ पहुँचा है, यहाँ कैसे आया है, क्या क्या इसके साथ हुआ होगा, कौन कौन फैमिली में है, उनके साथ इसका क्या रिश्ता है, ताई के साथ, मम्मी के साथ, बहनों के साथ क्या रिश्ता है, तो वो सब आप अपने जहन पे आप सोच के चलते हैं, बना के चलते हैं, बिकॉज वो सब कहीं ना कहीं हेल्प करता है, वो कहीं ना कहीं हमेशा मदद करता है जब आप एक बातचीत कर रहे होते हैं किसी से, तो वो एक बैक स्टोरी तो होती है जो आप लेके चलते हैं साथ में। उसके अलावा बहुत चीज़ें बहुत ही इंस्टिंक्टिवली भी मैं रिएक्ट करता हूँ सिचुएशन में, एक बार आपने समझ लिया कैरेक्टर फिर उसको आप कहीं भी छोड़ दो, कहीं भी फेंक दो किसी भी सीन में, तो उसको पता है कि एज अ कैरेक्टर इस सिचुएशन में क्या बिहेव करेगा। हर्षवर्धन जी, राजकुमार जिस तरह के एक्टर हैं उनके इनपुट्स भी होते हैं, वैचारिक मतभेद भी हो सकते हैं, किस तरह के इनपुट्स रहे हैं स्क्रिप्टिंग के दौरान या उसके बाद भी शूटिंग के दौरान कि ये जो मेरा कैरेक्टर है ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, क्या इनपुट्स थे? नहीं, बहुत सारे इनपुट्स थे स्क्रिप्टिंग के दौरान नहीं, उसके बाद ही, बिकॉज स्क्रिप्ट लिखने के बाद ही गए थे, बट उसके बाद तो मतभेद तो कोई नहीं थे, आई थिंक इट वॉज ओनली सजेशंस एंड थोड़े बहुत चीज़ें वो करना चाहते थे विद द कैरेक्टर एंड बिकॉज ही वॉन्टेड इट टू बी देयर एंड आई थॉट या फेयर इनफ, आई मीन एंड इट रियली डिड हेल्प द फिल्म इन अ वे, कि तो आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था, बस इनपुट्स ही थे, और फिर एक बार वो घुस जाते हैं ना तो फिर वो अंदर बिकॉज वो तो ब्रीद कर रहे हैं ना, मतलब वो तो हर रोज़ वही लीड कर रहे हैं, वो अंदर से महसूस करने लगते हैं, हमने तो बस लिखी हुई है, हमें एक तरीका होता है जो करना है, बट जो पात्र निभाते हैं ना तो दे ऑल्सो बॉडीली एम्ब्रेस सर्टन थिंग्स ऑफ दैट कैरेक्टर, जो हम नहीं सोच सकते ना वो भी ये लेके आ जाते हैं, तो और वो अगर करेक्ट लग रहा है तो यार मतलब तो सोने पे सुहागा है ना, मतलब बस देखिए ये कहानी हो रही है असल जिंदगी में, इसलिए इसको लिखा भी गया है, बहुत दबे छुपे रूप में ऐसा लोग कर रहे हैं, लेकिन असल जिंदगी में क्योंकि आपने कैरेक्टर निभाया है, आपके अपनी अपने विचार हो सकता है, कितना प्रैक्टिकल लगता है, कितना खरा लगता है, कितना सही लगता है ये जो इस तरह की जो शादी है या ये कहानी? सी, ये एक आइडियल सिचुएशन तो नहीं है,
ये लोग ज़्यादातर फियर में या फिर सोसाइटल या फैमिली प्रेशर के चलते ही लोग लैवेंडर मैरिज में जाते हैं कि उनको डर है कि शायद उनको लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी नहीं पाएंगे. तो इट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन, बट अभी भी जैसे आपने कहा लोग हैं जो लैवेंडर मैरिजेस में हैं इस वक्त, तो ये उन्हीं लोगों की कहानी है. लेकिन आई होप ऐसा एक दिन आएगा जब शायद लोगों को अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक होगा और उनको इस तरह के अरेंजमेंट, इस तरह के सेटअप नहीं करने पड़ेंगे. मैंने देखा कि बाहर आप रील्स बना रहे थे, मतलब डांस कर रहे थे, और आपको एक एक स्टेप अच्छे से पता, आपने लोगों को सिखाया भी और फिर किया भी. म्यूजिकली फिल्म कितनी स्ट्रांग है और आपका फेवरेट ट्रैक कौन सा है और क्यों? बहुत कम होता है कि कोई एक एल्बम आती है जिसके छः में से चार गाने अच्छे होते हैं या पाँच गाने अच्छे होते हैं. ज़्यादातर होता है कि एक बहुत ऊँचा अच्छा होता है और एक ठीक होता है और बाकी ऐसे ही होते हैं. आई थिंक ये एक एल्बम बहुत दिनों बाद आई है, नॉट बिकॉज इट्स आर फिल्म. आई थिंक जिसमें हर गाने में अपना एक अंदाज़ है, अपनी एक सादगी है, अपना एक बीट्स है जो किसी ना किसी को पसंद आएगा. हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है इस फिल्म में. तो मुझे तो इसके चार पांच गाने हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं. बधाई दो ऑफकोर्स टाइटल ट्रैक जो है, एक गाना है हम रंग है जो फिल्म के क्लाइमैक्स के दौरान आता है. वो जब आप फिल्म देखेंगे तब आपको उस गाने से ज़्यादा प्यार हो जाएगा. कई गाने ऐसे होते हैं जो आपको देखने के बाद आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उसमें एक वो खूबी है उस गाने में. अटक गया है, गोलगप्पा है, मांगे मंजूरिया है, बहुत सारे. ये जो फ्रेंचाइजी है बहुत मतलब सुपर हिट रही है और इसके गाने भी, म्यूजिक भी बहुत हिट रहा है डायरेक्टर साहब, तो वो प्रेशर था कि म्यूजिक को भी इतना पावरफुल बनाना है कि आगे लोग इसको, क्योंकि उसकी एक थीम बैकग्राउंड म्यूजिक था जो पिछली मैंने इस फ्रेंचाइजी की रही है, तो किस तरह का प्रेशर था और कितना आगे आप ले गए? नहीं, एक पॉइंट के बाद कभी इस प्रेशर को ऐसा महसूस नहीं किया गया. जब हम एक फिल्म बना रहे हैं और एक कहानी है, और वैसी हमारी कहानी जो है ना बहुत लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स कहानी है, उसी में हम व्यस्त थे और उसी में हम फोकस थे. उसी को किस तरीके से और अच्छा बना सकते, वही प्रेशर बहुत था. तो ये एक्सटर्नल प्रेशर, और ज़्यादा प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी. तो यही हमारा फोकस था कि यार जो हमारे पास है कहानी उसको हम बेटर करें और परफेक्ट करें, बस. आप जिसके साथ फिल्म करते हैं उसको दोस्त बना लेते हैं, भूमि के साथ पक्की वाली दोस्ती हुई या फिल्मी दोस्ती हुई? बहुत पक्की दोस्ती है भूमि के साथ. बहुत कम ऐसे होते हैं जिनसे आप, जैसे काफ़ी ज़्यादातर लोग मेरे दोस्त हैं जो मेरे को एक्टर्स हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जिनको आप शायद अमूमन डेली या एक दिन छोड़ के फ़ोन कर लेते हैं सिर्फ ऐसे ही बातें करने के लिए कि और बता क्या चल रहा है यार, क्या हो रहा है. तो आई थिंक भूमि वैसे वाली दोस्त बन गई है हम सब की, और हम सब आपस में वैसे दोस्त बन गए हैं कि अभी हम बिना काम के भी एक दूसरे को फ़ोन कर सकते हैं और बातें कर सकते हैं कि और बस ऐसे. तो ये असल जिंदगी में आपकी शादी के लिए कोई नया वो नहीं है, आप साथ रहते थे, लेकिन बार बार आपसे लोग सवाल भी करते हैं कितनी लाइफ बदल गई. आपके लिए कुछ बदला नहीं है मेरे ख्याल से, दूल्हा बनना और वो जो रिचुअल्स और चूता, मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ ज्यादा. बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल. इस कुछ पर नहीं, कुछ रिएक्शन है आपका कि क्या कुछ बदला है, कोई जिम्मेदारी आती है, फील ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बदला है. आई थिंक पहले भी हम लोग जैसे रहते थे अभी भी वैसे ही रह रहे हैं, कुछ बदला नहीं है. आई थिंक जस्ट दैट अभी हाथ में ये दो रिंग आ गई हैं, उसके अलावा मैं कभी किसी तरह की कोई ज्वेलरी नहीं पहनता हूँ अपनी लाइफ में, पर अभी ये जो रिंग है ये मैंने पहनी हुई है, उसके अलावा आई थिंक कुछ भी नहीं बदला है. द ओनली थिंग विच हैज चेंज, आई थिंक आई जस्ट फील मोर कम्प्लीट, दैट्स इट. क्या बात है, वंडरफुल. आपकी बात मुझे जाननी थी कि प्रैक्टिकल लाइफ में, मतलब असल जिंदगी में, उसके मतलब इस विषय को, इस शादी को आप कैसे देखते हैं, कितनी प्रैक्टिकल है और कितनी खरी? यार ना, मैं या ये फिल्म इन कैरेक्टर्स को हम जज नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ये जो एक लैवेंडर मैरिज है, जो ये अरेंजमेंट है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड ही है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है क्योंकि वो एक मिडिल क्लास ट्रेडिशनल फैमिली से आए हुए हैं. तो हम एज अ फिल्म मेकर और फिल्म जो है वो, हम इनके चॉइसेस को जज ही नहीं कर रहे हैं, हम बस उनकी चॉइसेस, क्यों किया है ये चॉइसेस, क्या थे इनके प्रेशर्स और उस चॉइसेस की जर्नी को हम देख रहे हैं. यू नो, आप समझ रहे? तो ये सही है गलत है ये हम बता नहीं रहे, आपको दिख जाएगा ऑब्वियसली. बहुत ही मतलब इफ इट्स अ कॉम्प्रोमाइज रियलिटी, गलत ही है. मतलब जैसे राज ने कहा कि यार आई होप एक दिन आए जब ऐसी कोई भी शादी ना हो, कभी भी ना हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है. दैट विल बी द डे व्हेन पूरी सोसाइटी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है एंड एम्ब्रेस कर चुकी है, और हम सब जी रहे हैं जैसे जीना चाहते हैं. Okay.
राजू की फिल्म का विषय वैसा है इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या कभी सेम सेक्स ने आपको हिट किया है? अगर ऐसा कोई वाकया है जो आज आप शेयर कर सकते हैं, फिल्म भी आ रही है और इस समय आप कह सकते हैं, और वो क्या सिचुएशन थी, क्या कहा था? एक्टर हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो कोई भी नहीं ऐसा, आई वोंट से कि हिट किया इन डायरेक्ट वर्ड्स, हाँ बट एक वो जो एक फ्लर्टिंग टाइप होता है ना, हेल्दी फ्लर्टिंग, तो वैसे कुछ वाकया हुए हैं और वो नॉट इन अ बैड वे, लाइक वो ऑफकोर्स मुझे भी समझ आता है कि इट्स इट्स वेरी सटल यार, वो आंखों में दिख जाता है, समबडी लुक्स लुकिंग एट यू एंड जस्ट से आई यू लुकिंग सो हैंडसम टुडे, सो यू कैन जस्ट फिगर आउट कि यू नो अरे ही इज ट्राइंग टू बी स्वीट एंड ही इज ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी, बट आई नो उनके दिल में भी ऐसा कुछ वो नहीं है, उनको भी पता है कि आई एम अ स्ट्रेट गाय, बट जस्ट यू नो दे लाइक इट, दे सम मे बी दे जस्ट दे रियली वांट टू अप्रिशिएट के यू नो आई यू लुकिंग रियली नाइस टुडे, सो ऐसे कुछ कभी कोई स्ट्रेंजर लोग हैं, आप कभी आपको बाहर गए हैं तो उन लोगों ने कभी ऐसा, तो वो समझ आ जाता है समटाइम्स कि यू नो इट्स अ हेल्दी फ्लर्टिंग, नथिंग रॉन्ग इन इट यार। अंतिम सवाल है, कोई ऐसा मुद्दा इसके अलावा, जैसे आप जो फिल्म कर रहे हैं किसी ना किसी मुद्दे पे, कोई घटना जो हमेशा असल जिंदगी में आपको कचोटती है कि इस पर यार फिल्म बने, मुझे करना चाहिए, वो कौन कौन से दो मुद्दे अगर हम बात करें, वो दो मुद्दे जो हमेशा कचोटते हैं, या घटना या कोई कैरेक्टर उस पर फिल्म करना चाहिए? क्या मुद्दे हो सकते हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं दुनिया में यार, जो पहले दो आ रहे हैं वो बता दीजिए। मुझे लगता है जैसे नायक मुझे बहुत पसंद है, जो करप्शन पे एक फिल्म आई थी अनिल सर की, शंकर सर ने डायरेक्ट की थी ना, मुझे बेहद पसंद है। वनडे सीएम माइंड ब्लोइंग, व्हाट एन आईडिया, तो आई थिंक वैसी कोई फिल्म, और आई थिंक देयर सो मच हिस्ट्री इन आवर कंट्री जो अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं की है, मुझे लगता है बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारी। पीरियड फिल्म करना चाहते हैं आप? जरूर, आई थिंक क्यों नहीं, जरूर करना चाहूंगा मैं। कोई कैरेक्टर जो आपको बार बार लगता है यार ये मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ? मुझे भगत सिंह बहुत पसंद है बचपन से, मैं पता नहीं क्यों मुझे एक कनेक्ट महसूस होता है उनसे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, बधाई दो के लिए, और जाते जाते यदि कोई सवाल ऐसे जो मैंने नहीं पूछे लेकिन दर्शकों से आपको सीधे अपनी बात कहनी, तो नहीं, थैंक यू संजय जी, हम ये कहना चाहते हैं कि 11 फरवरी को आ रहे हैं हम और आप सबका स्वागत करते हैं वापस थिएटर्स में, चीज़ें कंट्रोल में आ रही हैं, वैक्सीनेशन हो चुका है काफ़ी हद तक, तो आइए, कमाल की फिल्म आ रही है, बधाई दो, आपको बहुत हंसाएगी, बहुत एंटरटेन करेगी, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर्स के साथ जाइए, और वो सब बातें जो हम 2 साल पहले आज से यादें जो हम क्या करते थे थिएटर में बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए हंसना साथ में, लेट्स डू दैट अगैन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।